अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज मैं चल रहा हूँ इधर चतुनी प्रतापपुर रड़ौली की साइड में, आज चल रहा हूँ बेनीपुर, वहाँ पर मैच होने वाला है। तो हम लोग चल रहे हैं अभी वहाँ पर मैच देखने के लिए, वहाँ पर अपना ब्लॉग भी शूट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों? आगे चल रहे हमारे इमरान भाई और हमारे नेताजी और माजू सेठ, और हमारे पीछे बैठे हुए हैं अदनान भाई। ये देखो कैमरे में देख लो, हमारे पीछे बैठे हुए हैं अदनान भाई। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मील के पीछे, और मील के पीछे से मैं चल रहा हूं। हुआ है। तो लोग कुछ लोग उस साइड से चले गए और हम लोग इस साइड से जा रहे हैं। भोसड़ी के साइड से धुआं उड़ा था। तो इमरान भाई गर्दा उड़ा रहे हैं, तो अदनान भाई ने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया गाली दे के। देखो मिल भैया, वीडियो बनाती ठीक है, मस्त है। तो लोग देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं भाई, क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है। तो ये कौन सा हेलमेट है भाई, लोग देखते रह जाते हैं भाई। तो अभी इंस्टा 360 जब मंगाऊंगा ना, तब आप लोग देखना कैसा रिएक्शन आता है लोगों का। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं हारीपुर के पास। ये देखो हारीपुर का पंचायत भवन है। तो यहाँ पर गांव वाँव देख लो भाई, पूरी हरियाली, एकदम ज़बरदस्त हरियाली छाई हुई है। सामने गन्ना आ रहा भाई, गन्ने की टाली आ रही है, तो बड़े संभाल के निकालना पड़ेगा भाई यहाँ से। और सब लोग आगे जा रहे हैं, सब लोग या लोग देखते ही रह जाते। तो हारीपुर में पार कर चुका हूँ, लगभग पार ही कर चुका हूँ। तो अभी आने वाला छेतनपट्टी, नेताजी देखो बीच में बैठे हैं क्या नेताजी? इंशाल्लाह। तो हम लोग चल रहे हैं मैच खेलने के लिए भाई, पैक टीम नहीं है, अनपैक टीम है, जिसको पाया बटोर लिया, चलो मैच खेलने। तो यहाँ का रोड भाई साहब आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छा रोड नहीं है, एकदम घटिया रोड है भाई। बाकी आगे बगल देख लो, गन्ने की खेती है, सरसों की खेती है, इधर गेहूँ की खेती है, इधर टर्निंग पॉइंट भाई, बड़े आराम से घुमाना पड़ेगा। हमने गलत रास्ता चूज कर लिया भाई, अच्छा रास्ता बन गया यार इधर। ले देखो भाई, एक नया रास्ता ही जाद हुआ है भाई यहाँ पे, पहले उधर से जाया जाता था, अब इधर से जा रहे हैं भाई। ये देखो छेतनपट्टी गांव में एक नया रास्ता बन गया है, तो अब हम लोग इधर से जा रहे हैं। बाकायदा बहुत ही अच्छा रोड बना है भाई, एकदम पक्का रोड बन गया भाई।
पहली बार देखा हूँ भाई यहाँ, मुझे मालूम ही नहीं था भाई यहाँ पर रोड बन गया है। और बाकी बहुत ही अच्छा रोड बना है भाई, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा रोड बना है। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ की गांव की शांति, गांव का माहौल, गांव की खेती, गेहूं की खेती, गन्ने की खेती। ये देखो गेहूं की सिंचाई भी चालू हो गई है, देखो गेहूं में सिंचाई भी चालू हो गई है, क्योंकि गेहूँ जब छोटा इतना बड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी सिंचाई चालू हो जाती है। ये देखो सरसों भी यहाँ पर बड़ा हो गया है, और देखो चिमनी दिख रही है ना, भट्टा। बाकी ये देखो सिंचाई, जहाँ जहाँ सिंचाई होगी वहाँ वहाँ चिड़िए लोग रहेंगे, देखो चिड़िया बगुला ये सब देखो, जहाँ जहाँ सिंचाई होगी वहाँ पर आप लोगों पक्षी देखने को मिलेंगे। देखो पक्षी देखो दिख रही है ना, देखो बाकी दो गाड़ी आगे जा रही है, दो गाड़ी जा चुकी है। उधर देखो गन्ना कट रहा है, पूरा गन्ना कट रहा है। बाकी इधर गेहूं की खेती हो चुकी है लगभग लगभग। बहुत ही अच्छा रोड बन गया है भाई, एक नंबर का रोड बन गया है। नहीं तो उधर उधर से आना पड़ता था, इधर समझ जाओ शॉर्टकट है। बहुत ही फर्क पड़ गया भाई इधर से जाने में। टक्कर वाला लाके डाल दिया भाई, फाइनली रड़ौली वाले रोड पे एंट्री मार दिया हूँ। ये हमारे अन्नी भाई, तो फाइनली दोस्तों पहुंच गया हूं रड़ौली। बस थोड़ी देर बाद वहां पर बेनीपुर के साइड जहां पर स्कूल है वहां पर मैच होता है, तो वहां पर चल रहा हूं, उस स्थान पे चल रहा हूं जहां पर मैच हो रहा है। वहां का रिएक्शन बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है, क्योंकि गांव में तो रिएक्शन आ चुका है, बहुत ही अच्छा रिएक्शन मिला है। तो अभी वहाँ पर चल रहा है जहाँ पर मैच हो रहा है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं फ़िलहाल वहाँ। देख लो भाई यहाँ पर रड़ौली भाई काफ़ी बड़ा बड़ा गेहूँ इधर हो गया यार। इधर भी है ना। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गया हूं उस स्थान पे जहां पर मैच चालू है, तो आप लोगों को दिखाता हूं यहां पर, ठीक है। गेम को चालू रखे, गेम पे लेट ना करें और एंट्री जमा करा दें भाई। और पिच पर कोई गाली देता हुआ, पिच पर कोई गाली देता हुआ पकड़ा गया तो 5 रन माइनस कर दिया जाएगा, ये कमेटी का सख्त नियम है। सही बात है, कोई भी खिलाड़ी पहुंच चुका हूं भाई साहब यहां पर, बड़े नियम है, कोई खिलाड़ी अगर पकड़ा गया गाली